वेलकम डेटा इंटरप्रिटेशन। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। ये मिसिंग डीआई है आईबीपीएस पीओ के लिए, एक अलग तरह का टेबल मिसिंग डीआई। इसमें किधर से क्या परसेंटेज लेते हैं, क्या रेशियो होता है, इसकी आपको प्रैक्टिस होगी। तो आइए, मिसिंग डीआई में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले देखिए, नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय 5 स्टोर्स ड्यूरिंग 4 मंथ्स। तो चलिए, 4 मंथ्स में बात हो रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, और कितने लैपटॉप्स सेल हुए उनके बारे में है। स्टोर्स क्या है, PQRST, ये 5 स्टोर के बारे में चर्चा है। कहीं कहीं मिसिंग है, जो मिसिंग डेटा है उसका वैल्यू अगर उससे निकलता है किसी क्वेश्चन से, तो उसका इस्तेमाल दूसरे में नहीं होगा। इसके आधार पर निकलता हो तो अलग बात है। ये समझ गए? एक क्वेश्चन में मान लीजिए कि यहां पर एवरेज दे दे सभी 5 स्टोर का, तो आप निकाल लेंगे कि आर कितना है, लेकिन वो आर उस क्वेश्चन के लिए होगा, ये नहीं कि उस आर के उस वैल्यू को फिल कर देंगे और दूसरे क्वेश्चन को बनाते समय उसका इस्तेमाल कर लेंगे। नो, किसी क्वेश्चन में दिए हुए डेटा का इस्तेमाल दूसरे क्वेश्चन में नहीं होगा, जब तक कि क्वेश्चन में कहा न जाए। आई क्वेश्चन है, हैड द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर क्यू इन मार्च। रुकिए, स्टोर क्यू इन मार्च वहां तो है नहीं, ओके, ब्लैंक है। 25% मोर हुआ होता देन व्हाट इट एक्चुअली सोल्ड, यानी मार्च में जितना सेल हुआ है यदि उससे 25% ज्यादा होता, बोले चलिए हो गया। फिर आगे, द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय स्टोर्स QST इन मार्च। तो QST इन मार्च वुड हैव बीन 89। व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर क्यू इन मार्च। कितना सुंदर क्वेश्चन है, बताइए। तो एवरेज की कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर लिया गया। वैसे तो आप सब निकाल सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, ऐसे करते नहीं हैं। तीनों का यदि 89 है तो इसका 89 का मतलब क्या हुआ, प्लस सिक्स, और 89 का मतलब क्या हुआ, -7। तो थर्ड वाला क्या हो कि एवरेज 89 हो, जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, -1, दैट मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू 90, यानी कि यहां पर इंक्रीज होने के बाद 90 था, लेकिन ये जो 90 है ये ऐसे नहीं है, दरअसल एक्चुअल में जो है उसमें 25% इंक्रीज होने के बाद है। तो दरअसल यहां पर क्या था, 19 × 100/125, बोले इज इक्वल टू 72 आंसर। बोले कितना शानदार क्वेश्चन था, डी इज द आंसर। ये क्या हुआ, जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा। मैं इसको थोड़ा और समझाता हूं, ये समझ में तो आ गया, मैं थोड़ा और कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि दरअसल ये एवरेज कैसे हुआ। ठीक है, ये एवरेज कैसे हुआ, चलिए इसको यहीं रहने देते हैं। दरअसल ऐसा है कि ये जो 3 वैल्यूज हैं, एक है 95, दूसरा है 82, तीसरा मालूम नहीं क्या है कि एवरेज होता है 89। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 89 से 6 ज्यादा, और 82 वाला क्या है, 7 लेस, तो 1 लेस हो गया ना, तो
तो इसको होना चाहिए कि नहीं यहां तक, यहां तक, जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा। अगर हम ये 1 न दें तो 7 = 7 कैसे होगा, 89 कैसे होगा? समझ में आया? इसीलिए इसका वैल्यू होना चाहिए 90, 89 + 1। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय स्टोर आर, सोल्ड बाय स्टोर आर इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर, आर इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर। लेकिन जनवरी तो पता है, फरवरी तो पता है नहीं। ओके ओके ओके, इज 26 मोर देन दैट सोल्ड बाय स्टोर पी इन फरवरी एंड मे टुगेदर। पी इन फरवरी एंड मे, मे का तो पता ही नहीं है, फरवरी एंड मे टुगेदर, February and May together, okay. If the number of laptops sold by a store P in May is 88, what is the number of laptops sold by a store R in February? समझ में आ गया होगा। देखिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का एक मैप जैसे ही समझ में आता है, ये है R store, R store का ये जनवरी है और फरवरी है, बोला जा रहा है जनवरी है और ये फरवरी है। ठीक है, जनवरी में तो हमें पता है आर का कि 92 है, मालूम नहीं फरवरी में कितना है, पता नहीं है। पर ये टोटल में, टोटालिटी में, ये टोटालिटी में 26 मोर है, प्लस 26 है, ऐसे दिया हुआ है। किसका किसका किसका? तो पी का। ओके, पी का कब? तो फरवरी एंड मई में, फरवरी एंड मई में, फरवरी एंड मई में। तो पी का फरवरी में 64 है और मई में कितना है? ये क्वेश्चन में ब्लैंक था, इंफॉर्मेशन 88 है, तो हमने इसके जगह पर लिख दिया 88। देखिए इसके जगह पर 88 लिख दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 88 और 164 कितना होगा। इसमें से 12 लेके इसे दे दीजिए तो दरअसल ये कितना होगा, 152, ये होगा 152। ये कितना हुआ, 152 प्लस 26 यानी 178। और अगर ये 178 है, ये 92 है, तो ये कितना है बताइए, 8 एंड 78, क्या है ये 86 ना हुआ? आंसर 86 मतलब सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, 178 को थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऊपर भी लिख सकते हैं, चलिए ऊपर लिख देते हैं, 178 हुआ। हाउ मच टोटल? ठीक है, तो ये एक सिंपल सवाल ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर स्टोर एस इंक्रीज्ड बाय 16% फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल। एक मिनट, एस फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल, अप्रैल ब्लैंक है, उसके लिए बता दिया गया 16% इंक्रीज हुआ। व्हाट वाज द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर एस इन अप्रैल, यानी ये जो क्वेश्चन हुआ, ये जो क्वेश्चन हुआ, इसमें ये दिया हुआ है कि ये 75 है और यहां से अगर ये 16% इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, ये सवाल है। तो कैलकुलेशन है सर, देखिए 10% तो नहीं लेंगे, 1% कितना है 0.75। देखिए ऐसे करें, हम लोग जानते हैं कि 0.75 का मतलब 1%, डबल कर दें तो 1.5 का मतलब 2%, डबल कर दें तो 3 का मतलब 4%, 4 टाइम्स कर दें तो 12 ना हो जाए 16%। ये मन में सोचते हैं, यानी कि 12 इंक्रीज होता है तो कितना होता है 87, दैट मींस कि बी द आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय
स्टोर पी इन जनवरी एंड अप्रैल टुगेदर. रुकिए, पी इन जनवरी मालूम नहीं है एंड अप्रैल टुगेदर एंड नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय द सेम स्टोर्स यानी स्टोर पी सेम स्टोर यानी पी इन सितंबर स्टोर पी का इन सितंबर दिया हुआ नहीं है. वाज 12:7 इफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर पी इन सितंबर वाज 126 व्हाट वाज द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर पी इन जनवरी. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया और एक आसान ही क्वेश्चन है. मैं बताता हूं, सिर्फ फिगर लिखते समझ में आ जाएगा. स्टोर पी जो है उसकी बात जनवरी में हो रही है और अप्रैल में हो रही है. ठीक है, पी का जनवरी और अप्रैल. जनवरी मालूम नहीं है, अप्रैल मालूम है. ये मालूम नहीं है और अप्रैल में मालूम है. ठीक है, ये है. ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ओके, इसके साथ रेशियो है किसका, उसी पी का सितंबर में. उसी पी का सितंबर में. और ये सितंबर में रेशियो क्या है, 12:7 बोलिए. और हमें दिया हुआ है कि सितंबर में 126 है. 7 को 126 कहते हैं. तो 18 टाइम्स हुआ कि नहीं, तो 12 को क्या कहेंगे. बोलिए 12 को क्या कहेंगे. क्या ये भी 18 टाइम्स होगा कि नहीं. 18 टाइम्स 18 10 टाइम्स होता है. 182 टाइम्स 36 तो 216. अगर इस पूरे को 216 होना है तो इसको क्या होना है, इसको 216 माइनस 125 होना है, यानी कि 91 होना है आंसर. 91 यानी ए इज आंसर. ए इज आंसर. बोले समझ में आ रही कि नहीं. और अब चलिए लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर. आइए फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इस पर हम लोग बात करते हैं. क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय स्टोर टी डिक्रीज बाय 15% फ्रॉम जनवरी टू मे. टी जनवरी का तो पता नहीं है, टू मे का भी पता नहीं है. एंड इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम मे टू जून का भी पता नहीं है. इफ द नंबर ऑफ लैपटॉप्स sold by store T in June was 85. What was the number of laptops sold by store T in January? ये एक तरह से continued fraction का या percentage का सवाल है. आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा. Question क्या है, सिर्फ math देख लीजिए कि T के बारे में बात हो रही है. Okay, T के बारे में बात हो रही है. January के बारे में पहले बात हो रही है. उसके बाद May के बारे में बात हो रही है. और उसके बाद जून के बारे में बात हो रही है. ये दिया है कि यहां से यहां तक 15% डिक्रीज होता है. यहां से यहां तक इंक्रीज होता है 25%. नाउ इट इज 85. व्हाट वाज इनिशियली. आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को इंक्रीज हुआ तो 100/125, डिक्रीज हुआ तो 100/85, 100-15. इसको सॉल्व करते हैं. देखिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. 25 से 4 टाइम्स हुआ, ये 5 टाइम्स हुआ, ये 20 हुआ, ये 80 हुआ. 80 का मतलब डी इज आंसर. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मिशन डीआई के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा. ओके, ऑल द बेस्ट.